फ्रेंड जॉब से ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल भर्ती 2024 की, जिसमें झांसी और सतारा की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं। काफ़ी पदों पर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। अच्छी खासी पेमेंट आपको मिलेगी, डिफेंस में काम करने का मौका मिलेगा। और साथ में ही आपको बता दूं कि एज भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ट्रेड में रखी गई है, जैसे TDGT वगैरह में या और भी कई पोस्ट हैं जिसमें 50 साल तक भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉरम आपका ऑफलाइन रहने वाला है, और जो भी कैंडिडेट हैं जिसको भी अप्लाई करना है जल्द से जल्द अप्लाई करें। 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर दोनों में आपकी डेट रखी गई हैं अलग अलग। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, इस पूरी एप्लीकेशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपकी सैनिक स्कूल झांसी की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सेज की वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। इंडियन मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। पहली वैकेंसीज है TGT मैथमेटिक्स के लिए, जो कि एक पोस्ट OBC की रहने वाली है। 2 ईयर ग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, आप MSc कोर्स आपका होना चाहिए NCERT से, और साथ में ही आपके 50% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से NCTE आपकी की होनी चाहिए। साथ में आपको बता दूं कि BEd कंप्लीट आपका होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर रही हुई हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। पेमेंट आप देखिए, यहाँ पे पेमेंट आपको मिलने वाला है 71,400 रुपये की। बहुत ही ज़्यादा पेमेंट आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। और साथ में आपको बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे आप लीव छोड़ेंगे इस वैकेंसीज के, जो भी जॉब करने के बाद में, तो आपको वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट में मिलेगा। वो एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए आपको कहीं भी यदि आप जॉब के लिए पाने के लिए करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वेरियटा मिलेगी, जो भी वरीयता मिलेगी इसमें। आपकी 21 से 40 साल तक एज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इंग्लिश की है, जो UR के लिए पोस्ट रखी गई है। सेम पेमेंट रहेगा 21 से 40, आपका संबंधित है, आपका डिप्लोमा डिग्री सेम मांगा गया है। इसके बाद में PGT आपकी फिजिक्स की पोस्ट है, जो कोई आपकी UR के लिए एक पोस्ट है, वही सेम आपका डिग्री वगैरह सभी मांगा गया है। पेमेंट वही सेम है, एज भी आपकी सेम रखी गई है। इसके बाद में PGT केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है, सेम आपका सब कुछ रखा गया है। पेमेंट भी वही है और एज भी आपकी वही रखी गई है। इसके बाद में आपका PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है। SC की एक पोस्ट है जिसमें आपका 50% मार्क्स के साथ वही सेम आपकी CGE मांगी गई है, जो कि BTech वगैरह भी आप यदि हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 71,400 आपको पेमेंट मिलेगी। 21 से 40 साल आपकी एज रखी गई है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपकी एक पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री आपके फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए। आप इसके बाद में पेमेंट आप देख सकते हैं 67,350 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एज आपके 21 से 35 साल रखी गई है। TGT सोशल साइंस की पोस्ट है, जो कि आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। सेम आपका पेमेंट भी आपका वही आपका 67,350 रहने वाला है। वही सेम आपका NCERT वगैरह से कॉलेज कंप्लीट और BEd कंप्लीट होना चाहिए। 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है। आर्ट मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वही सेम आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। 5 ईयर से संबंधित आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, वही पेमेंट आपकी रखी गई है। एज भी सेम आपकी रखी गई है। लाइब्रेरियन की पोस्ट देखिए, यहाँ पे आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए बहुत ही कम पोस्ट आपकी निकलती हैं, लेकिन लाइब्रेरियन की पोस्ट एक पोस्ट रखी गई है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। उसके बाद में पेमेंट आपके यहाँ देखिए 67,000, इतनी ज़्यादा पेमेंट कोई भी लाइब्रेरियन को आपकी नहीं मिलती है। यहाँ पर 21 से 35 साल एज रखी गई है। काउंसलर की पोस्ट और साथ में ही पेमेंट भी सेम आपका रखा गया है। म्यूजिक टीचर में भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी पेमेंट रखी है। हायर सेकेंडरी और डिप्लोमा आपके पास म्यूजिक से संबंधित होना चाहिए। 43,800 पेमेंट रहेगी। 21 से 35 साल एज रखी गई है। लेब असिस्टेंट की फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स वाले ST कैंडिडेट के लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए। पेमेंट देखिए 38,250 रुपये आपको लेब असिस्टेंट में पेमेंट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। 40,000 के करीबन आपका पेमेंट यहाँ बन रहा है। एज आपकी 18 से 50 साल रखी गई है। 50 साल आप यदि आप जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। इसके बाद में केमिस्ट्री की पोस्ट है, उसमें संबंधित सब्जेक्ट से होना चाहिए 12वीं पास, और इसमें भी सेम आपका पेमेंट रखा गया है। एज भी सेम रखी गई है। बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट है, UR के लिए सेम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और वही पेमेंट आपकी रखी गई है। इसके बाद में PTI पेट्रो मेट्रोन की पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जो कि बैचलर डिग्री फिजिकल इंस्ट्रक्टर से ये होनी चाहिए। इसमें भी 43,800 पेमेंट रखा गया है।
एज 35 साल रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं पेमेंट बहुत ही अच्छा खासा रखा गया है। और साथ में आपको बता दूं ये आउटसोर्सेज की वैकेंसीज हैं, इसमें यदि आप यहाँ सिलेक्शन लेते हैं तो आगे निकलने वाली परमानेंट वैकेंसीज के लिए भी आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ही काम आपके आने वाला है। तो ये कैंडिडेट न सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है, मैं कैसे अप्लाई करूँ, क्यों नहीं हो रहा। पेमेंट देखिए और आपका जो जो आपका आने वाला समय में आपकी वैकेंसी जो जारी की जाती है परमानेंट पोस्ट, वो भी 50 साल तक के लिए आप अप्लाई कर पाते हैं यहाँ पे सैनिक स्कूल में, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर सिलेक्शन आपका किया जाता है कि आप किस साल पे कितने साल आपका सैनिक स्कूल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं। तो यह आप बिल्कुल भी मौका नहीं चुकना है। जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं तो इसमें वैकेंसीज में अप्लाई नहीं करूँगा, क्वालिफिकेशन रखते हैं और इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा धोखा होगा आपके साथ। ये बता रहा हूँ आपकी ये वैकेंसीज आपकी ऑफलाइन रहने वाली हैं। इसमें आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड लगाने, जैसे कि 10th का मार्कशीट, जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, सभी लगाने, किसी भी प्रकार का अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में सबमिट करनी है। एक आपको लिफाफा भेजना है जिसपे एड्रेस आपका खुद का लिखना है, और 27 रुपये की डाक टिकट उस पर लगानी है। अब आपको बता दूं कि 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी रखा गया है, जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है। अब बाकी की SC ST की कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये का रखा गया है। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के नाम पर बनेगा, और झांसी उत्तर प्रदेश के नाम पर ये ब्रांच कोड आपका रहेगा, तो यहाँ पे आपके डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। बाकी आप 4 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपके SC ST वगैरह के सर्टिफिकेट वगैरह या OBC का सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट सभी आपको लगाने हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, तो आप देख सकते हैं आप ऑर्डिनरी पोस्ट से न भेजें, आप जो भी कैंडिडेट हैं रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, बाई वाई हैंड वगैरह कुछ भी आपका नहीं चलेगा। एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ का नाम जरूर लिखें, जो भी बड़ा वाला लिफाफा आप लिखते हैं उस पर एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखकर अगर पोस्ट का जरूर नाम लिखें। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है, एग्जाम टेस्ट होगा और उसके बाद में सभी कुछ सेम आपकी प्रोसेस जो सरकारी गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती हैं उसी हिसाब से रहने वाला है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, 4 अक्टूबर तक है। फोटो यहाँ पर चिपकाएँ, पोस्ट का नाम लिखें में लिखें, फादर्स का नाम कैपिटल में लिखना है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। 4 अक्टूबर तक आपकी एज कितनी हो जाती है वो कैलकुलेट मोबाइल से करके लिख लेना है। SC ST है, OBC है, आधार कार्ड नंबर लिखने ना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना है। इसके बाद में प्रोफेंसी सर्टिफिकेट आपको लिखना है, ये सारे आपको होम एक्सपीरियंस जो भी है वो लिखना है। स्पॉन्सर का नाम यदि आप शादी किए हुए हैं तो आपको लिखना है, बच्चे वगैरह यदि शादी के बाद में है तो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस आ जाएगा। बस छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, सभी डॉक्यूमेंट लगाकर सेल्फ अटेस्टेड सभी करके, 2 फोटो साथ में लगाकर, एक लिफाफा जिसपे 27 रुपये की डाक टिकट लगाकर, ये डॉक्यूमेंट के साथ सभी डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। फोटो एक यहाँ पे चिपकानी है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, ये बात में ध्यान में रख लें। इसके अलावा बाकी की 2 फोटो एक्स्ट्रा आपको भेजनी है, जिसपे कोई भी सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं है, पीछे आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोटो न खोए इसके लिए नाम आप जरूर। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं, जो कि सतारा महाराष्ट्र से निकली है। देख सकते हैं सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसीज आपकी जारी हुई हैं, जो कि TGT मराठी के लिए एक पोस्ट रहने वाली है। मराठी कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार मौका है, 50% मार्क्स के साथ ये आपकी वैकेंसीज हैं। BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए, 38,000 पेमेंट मिलेगा, 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है। ये भी आउटसोर्सेज वैकेंसीज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मौका बिल्कुल भी नहीं चुकना है। आपके पास यदि क्वालिफिकेशन है, एज है, तो आपको बिल्कुल भी आप झिझकना नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है। आगे आने वाले समय में आपको परमानेंट होने का पूरा चांस यहाँ पे मिलेगा। TGT हिंदी के लिए एक पोस्ट है, जो कि आप 50% मार्क्स के साथ है, आपका जो BEd कंप्लीट होना चाहिए, CTET वगैरह भी कंप्लीट होना चाहिए, या स्टेट पे आप कंप्लीट कर रखें तो भी आपका चलेगा। इसमें 38,000 पेमेंट, 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है। वार्ड बॉय के लिए आपकी 2 पोस्ट, जो कि 10th पास वाले ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी आना चाहिए,
इसमें 25,000 पेमेंट आपको मिलेगा, 18 से 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज है 5 ईयर का, संबंधित आपका टीचिंग से संबंधित नॉलेज होना चाहिए या बैचलर डिग्री म्यूजिशियन में होना चाहिए। 25,000 पेमेंट मिलेगा, 21 से 35 साल एज आपकी रखी गई है। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्वार्टर मास्टर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। बीए बीकॉम होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस यूडी से संबंधित या स्टोर से संबंधित आपके पास होना चाहिए, या आप क्वार्टर मास्टर वगैरह की कहीं ड्यूटी की हुई है, या जेसीओ वगैरह 10 साल आर्मी में वगैरह में रहें तो आपको मिलेगा 28,000 पेमेंट और 21 से 30 50 साल एज आपकी रखी गई है। काउंसलर की ये पोस्ट है, ग्रेजुएट आपका कंप्लीट 50% फिजियोलॉजी के साथ होना चाहिए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं 35,000 पेमेंट मिलेगा, 21 से 50 साल एज आपकी रखी गई है। इसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट सिस्टर की पोस्ट है, जो कि यूआर के लिए मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपके संबंधित आपका नर्सिंग से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ आप सर्विसमैन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 आपकी पेमेंट रहेगी, 18 उसके बाद में आपका 21 से 50 साल एज रखी गई है। यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल प्रिंसिपल सतारा के नाम पे आपको फॉर्म सेंड करना होगा। आप जो भी कैंडिडेट हैं आप ईमेल के थ्रू भी एक्सेप्टेड ईमेल के थ्रू आप एक्सेप्टेड नहीं कर सकेंगे, आपका पोस्ट के बाई पोस्ट ही आपको सेंड करना होगा। अप्लीकेशन फॉर्म आपके साथ सभी डॉक्यूमेंट भेजने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ में एक लिफाफा भेजना है जिसपे खुद का एड्रेस लिख के, और यहाँ पे 30 रुपये की डाक टिकट लगानी होगी। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें मांगी गई है, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी मांगा गया है, जो कि SST को नहीं लगाना है, बाकी जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है, जो कि सतारा के नाम पे आपका रखा गया है। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए, उससे पहले पहले आपका भेजना चाहिए। इसके आप सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में आपका एग्जाम वगैरह होगा, जिसके अलग से एडमिट कार्ड या ईमेल के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा। अब चलिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम, यहाँ पे आपको नेम लिखना है, उसके बाद में फोटो चिपकाना है या फादर्स नेम वगैरह कुछ लिखना है, जो भी आपका या हस्बैंड नेम लिखना है, परमानेंट एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस, जो भी कैटेगरी है वो लिखनी है, ये सभी आपको फिल करना है, जो कि आपका एज वगैरह, जिसके बाद में आपका मेरिड अनमेरिड है, क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हैं वो लिखनी है, एक्सपीरियंस आपके पास कोई है तो लिखना है, प्रोपेंसी आप कंप्यूटर में है या यस या नो जो लिखना है, CTET वगैरह कंप्लीट की है, हॉबीज क्या है, एनी कोई डिटेल्स है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, DD कौन सी लगा रहे हो, कौन सी बैंक की है, किसी भी बैंक की किसी भी नेम से आप बनवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट से ही DD बनेगी, आप बस ओनली सैनिक स्कूल सतारा के नाम पे लगा के DD भेज दीजिए, किसी के नाम पर DD नहीं बनती, बस सैनिक स्कूल नाम से ही बनती है। बाकी की एड्रेस आप जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं है, अपने फादर्स के नाम या मदर्स के नाम से अकाउंट है, तो वहाँ से भी आप DD बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं, सेल्फ अटेस्टेड इनलोप लगाएं, 30 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ, जिसके बाद में फोटोकॉपी आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड की इनकी फोटोकॉपी भी लगानी है, अदर डॉक्यूमेंट की भी फोटोकॉपी लगानी है, सभी की जो भी आपके क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है ये यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं सभी की आपको लगानी है, या सिग्नेचर करना है, डेट ऑफ प्लेस। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ पोस्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी जरूर अप्लाई करें। यदि आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, प्राइवेट है, आप सोच रहे हैं सरकारी स्कूल में मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो साथ में आगे की प्रायोरिटी मिलेगी आपको, परमानेंट पोस्ट के लिए आपको बहुत ही शानदार मौका मिलेगा। आधे कैंडिडेट इसीलिए छोड़ देते हैं कि यार सर प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज हैं, इसमें अप्लाई करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यही फ़ायदा आपको आगे चलते कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।